गलत है। कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर जानलेवा हमला नहीं करवाएगा, और वो हमला करवाए होते तो आज वो जिंदा होते। और ये सब पुलिस की मिली भीत षड्यंत्र के तहत ये सब हुआ है। और अगर पुलिस ने सुरक्षा दी होती और हमारे पति के साथ ऐसा ना होता। तो पुलिस को आप दोषी ठहरा रही हैं, वजह क्या है कि क्यों लग रहा है कि पुलिस ने थोड़ा सा गलत किया है? 25 तारीख को जो ये एफआईआर पच्चीस कराई गई तारीख को थी, 25 तारीख को रात में 9:30 बजे मेरे पति ने एफआईआर दर्ज करवाई है, और उस पर कुछ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। पहले तो मेरे पति के ऊपर, मेरे पति के चरित्र के ऊपर गलत लांछन लगाए, फिर अब एक ये नया षड्यंत्र रच दिया पुलिस वालों ने। और मुझे जो है, मेरी बात हुई है माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से। मैंने उनसे सीबीआई जांच की, सीबीसीआईडी जांच की बात भी कही है। उन्होंने ये बात कही है कि सीबीसीआईडी जांच होगी, और मुझे न्याय चाहिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भाजपा कार्यालय के सामने धरने पे बैठूंगी। और ये कब बात हुई आपकी डिप्टी सीएम साहब से? उस दिन जब आए थे तब बात हुई थी। परसों नरसों आए थे डिप्टी सीएम।